नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस लाइव में। तो आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो बिहार लाइब्रेरियन 2024 को लेकर है। उसमें आप किस प्रकार अपना जो आवाज़ है वो बुलंद कर सकते हैं, किस प्रकार अपना जो समर्थन है वो दे सकते हैं। तो एक बार तो आप जितने भी बिहार लाइब्रेरियन के जो बेरोज़गार अभ्यर्थी है, जो लाइब्रेरियन वैकेंसी का बिहार में इंतजार कर रहे हैं, वो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बात करें बिहार में तो लाइब्रेरियन बहाली को लेकर काफ़ी वर्षों से क्या है इंतजार है वो किया जा रहा है। लाखों बेरोज़गार अभ्यर्थी इस बहाली का, लाइब्रेरियन बहाली का इंतजार कर रहे हैं। ये आपकी जो बहाली होने वाली है वो लगभग 7-8 हज़ार पदों पर कम से कम जो वैकेंसी है जो आएगी, तो 7-8 हज़ार पदों पर आएगी। तो बहुत बड़ी ये बहाली आपकी लाइब्रेरियन की है, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से जो ओल्ड ट्रेड बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसके द्वारा भी बेहतरीन जो प्रयास है वो आंदोलन के माध्यम से किया गया था पटना में, और चेतावनी है वो भी दी थी बिहार सरकार को कि जल्द से जल्द आप क्या है बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली करें, नहीं तो जो बड़े स्तर पर आंदोलन है उसकी शुरुआत की जाएगी। तो इसी की कड़ी की बात करें तो हम आगे लेकर आए हैं कि बिहार लाइब्रेरियन बहाली 2024 अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी अभी जो बहाली नहीं होगी तो ये बहाली है वो क्या है, इस बार भी असंभव हो जाए। सभी को एकजुट होकर करना होगा ये काम। कौन कौन से काम हैं जो आप अपनी बहाली के लिए प्रयास कर सकते हैं उनको लेकर भी हम आज के इस वीडियो में बात करें। ऐसा करें, भर्ती निकालनी ही पड़ेगी, अपनी लाइब्रेरियन बहाली के लिए शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले तो आपका यही काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात पिछले जो वीडियो में हमने कहा था कि आपको एकजुट होकर एक ही दिन एक ही समय में क्या है, जो आपका ट्विटर कह लें या जो नया नाम है एक्स, उस पर आपको क्या है जो ट्वीट है अपने एक साथ सभी बेरोजगार लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों को डालने होंगे, ताकि जो आपका टॉपिक है बिहार लाइब्रेरियन बहाली का वो ट्रेंडिंग में आए और जो सरकार है बिहार की, जो सेंटर केंद्र सरकार है, उस पर भी इसका जो असर है वो होना चाहिए। तो इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 31 जुलाई 2024 ये दिनांक है, 31 जुलाई 2024 की सुबह 10 बजे टाइम क्या रहेगा, सुबह के 10 बजे सभी को एकजुट होकर, सभी जो है वो एकजुट होकर क्या करें भाई, ट्वीट करें। ट्वीट किस प्रकार रहेगा, तो ये आपका जो ट्वीट है वो इस प्रकार रहेगा, हैश बिहार लाइब्रेरियन नोटिफिकेशन जारी करो। ये सेम ऐसा ही ट्वीट आपको क्या है जो एक्स कह लें या ट्विटर है उस पर आपको करना है। समय आपका 10 बजे रहेगा टाइम है जो, और कब रहेगा, 31 जुलाई 2024 को। हमें भी आप फॉलो कर सकते हैं, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा और ये जो हैशटैग है वो भी आपको क्या है नीचे मिल जाएगा। अपनी लाइब्रेरियन बहाली के लिए शेयर जरूर करें, यानी ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने ज़्यादा अधिक छात्र ट्वीट करेंगे उतने ही आपके बहाली के चांसेस हैं वो अधिक होंगे। तो ये आप क्या है 31 जुलाई को एक काम अपना जो अवश्य करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं भी, आपका जो विधायक है, आपके जो सांसद हैं, उनको भी एकजुट होकर अपना जो ज्ञापन है अपने ज़िले से संबंधित, अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित, आप अपने ज्ञापन भी दे सकते हैं, जिससे बहाली क्या है भी आपकी जल्द से जल्द हो जाएगी। सरकार के कानों तक क्या है असर जा चुका है और ये क्या है भी उसको अच्छे तरीके से क्या है पहुंचाना होगा आपको। तो 31 जुलाई 2024 सुबह 10 बजे अपना जो ट्वीट है वो करना ना भूलें। बिहार लाइब्रेरियन, जिनको भी बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी का इंतजार है वो जरूर करें भाई। ट्वीट आपको बता दिया गया है, इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये ट्वीट मिल जाएगा और हमारा जो ट्विटर लिंक है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो ये ट्वीट एक साथ करें भाई। इसके लिए कई आपके जो मैसेज है वो बिहार लाइब्रेरियन छात्रों के आ चुके थे, इसी कारण ये वीडियो जारी किया गया है। तो आप इसे शेयर जरूर करें और ये ट्वीट भी आप क्या है
अवश्य करें। धन्यवाद।